हेलो गाइज, आप देख रहे हैं कास्ट फॉर शिवांश एंड आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन। आज अपन बात करने वाले हैं टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस के बारे में। ये जो गाड़ी है ये इंटरनेशनली डेब्यू कर चुकी है और अनवील हो गई है इंडोनेशियन मार्केट में। इंडिया में भी ये गाड़ी बहुत जल्दी अनवील होने वाली है। 25 नवंबर को इसका जो है अनवील रखा गया है इंडिया में। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक वो गाड़ी अनवील हो चुकी होगी। तो उसके बारे में मैं आपको काफी बातें बताने वाला हूँ कि गाड़ी का प्राइस क्या होने वाला है, गाड़ी के फीचर्स क्या होने वाले हैं, ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए कि नहीं, और ये गाड़ी में क्या क्या बातें खास है, क्या बातें बुरी है, सब बताने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस के डिजाइन के बारे में और ये गाड़ी कौन से सेगमेंट में आने वाली है। तो जो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस है ये एक एमपीवी है, जैसा कि अपनी इनोवा क्रिस्टा आती है। ये इनोवा क्रिस्टा के ऊपर और फॉर्च्यूनर के नीचे बैठने वाली है टोयोटा के लाइनअप में। और जो इसका डिजाइन है ना बॉस, डिजाइन बहुत प्यारा कर दिया गया है, पहले से काफी इंप्रूव किया गया है। जो इनोवा थी अपनी क्रिस्टा थी वो अच्छी तो लगती थी पर उसमें थोड़ा वो हैवीनेस कहते हैं ना, थोड़ा सा मतलब फॉर्च्यूनर जैसा दबदबा नहीं था उसका। और टोयोटा ने वही कोशिश की है अपनी हाईक्रॉस के साथ, थोड़ा इसके डिजाइन को और प्यारा बनाया है, थोड़ा सा और हैवी बनाया है। इंडियन मार्केट के हिसाब से भी थोड़ा उन्होंने काम किया है। जैसे मेरे हिसाब से इसमें पहली बार 18 इंच के अलॉय व्हील्स आने वाले हैं। फ्रंट की जो ग्रिल है गाड़ी की वो भी काफी बोल्ड लग रही है और फ्रंट से देखने में गाड़ी काफी ज्यादा एसयूवी लगती है, ना कि एमपीवी। हाँ, अगर आप पीछे से इसको देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये एक एमपीवी है और एसयूवी नहीं है, और साइड से भी वही मालूम पड़ता है। तो गाड़ी का एक्सटीरियर तो यार बहुत अच्छा बनाया है, ऑल एलईडी इसमें आपको हेडलैम्प्स टेल लैम्प्स मिलने वाले हैं, ग्रिल भी काफी बड़ी है, टोयोटा का लोगो बीच में है, गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है। और अब अपन इंटीरियर के बारे में बात करते हैं कि गाड़ी का इंटीरियर कैसा होने वाला है। तो जो बॉस इंटीरियर है ना, गाड़ी का इंटीरियर मुझे फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, इनोवा क्रिस्टा से तो छोड़ो। अब खुद देखो, एक बीच में 10 इंच की बड़ी सी टच स्क्रीन आपको देखने को मिल रही है और साथ में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी 7 इंच की एक एमआईडी मिलेगी टीएफटी वाली। और इंटीरियर ब्लैक और ब्राउन फिनिश में कितना प्यारा लग रहा है इस गाड़ी का, बहुत ही प्रीमियम लुक आ रहा है गाड़ी का। और अब अपन इसका सबसे प्रीमियम फीचर बताता हूँ, जब आप इसकी सेकेंड रो देखोगे, अगर आप इसका टॉप मॉडल लोगे तो उसमें आपको दो कैप्टन सीट्स तो मिलेंगी, साथ में मिलेगा रिक्लाइनिंग का फीचर, तो मतलब रिक्लाइन हो जाएगी सीट्स, रेयर आपका जो फुटरेस्ट के लिए भी रिक्लाइन होगा, ऑटमैन करके उन्होंने इस फीचर का नाम रखा है। तो ये जो है बिल्कुल बिजनेस क्लास लेवल का हो जाएगा, बीच में आपको कप होल्डर्स आमरेस्ट सब मिलने वाला है। और अगर थर्ड रो की बात की जाए तो जो थर्ड रो है उसमें आपको 3 हेडरेस्ट मिलने वाले हैं, तो मतलब वाह यार क्या बात है, मतलब बहुत ज्यादा स्पेस ऑफर होने वाला है। स्पेस से याद आया, मैं आपको व्हील बेस से समझा देता हूँ। टोयोटा इनोवा जो क्रिस्टा है जो अभी जो चल रही है, अभी मार्केट में बिकती है टोयोटा की, वो उसका जो व्हील बेस है वो है 2750 और जो अपनी नई वाली जो इनोवा हाईक्रॉस आ गई है उसका है 2850, मतलब 100 मिलीमीटर से ज्यादा व्हील बेस हो चुका है। स्पेस आपको इनोवा क्रिस्टा में ही इतना शानदार मिलता था, इसमें सोचो एक लेवल और अप कर दिया है टोयोटा ने, तो ये बहुत अच्छी लगी मेरे को बात। बाकी अगर अपन गाड़ी के मेन फीचर की बात की जाए और एक ऐसा जो डिसएडवांटेज है उसकी भी बात की जाए, तो जो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस है ये सिर्फ पेट्रोल में अवेलेबल होने वाली है और पेट्रोल हाइब्रिड में अवेलेबल होने वाली है। इसका मतलब ये गाड़ी डीजल में नहीं आएगी, जो काफी लोगों के लिए एक लेटडाउन हो सकता है, क्योंकि इनोवा क्रिस्टा डीजल में आती है ऑलरेडी और उसकी डीजल की वेटिंग इतनी ज्यादा रहती है कि उसमें भी अभी टोयोटा पता नहीं क्या कर रहा था, बीच में शायद डिसकंटिन्यू करने का प्लान कर लिया था और बुकिंग्स लेना बंद कर दी थी डीजल की, तो वो इसी चीज के लिए वेट कर रहे थे कि हाईक्रॉस को एक बार लॉन्च कर दें और फिर उसकी डीजल बुकिंग वापस लेना स्टार्ट करेंगे। तो एक ये नुकसान भी एक फायदा भी, इसको मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि जो आप अगर नॉर्मल पेट्रोल लोगे हाईक्रॉस में तो उसमें पावर और सब कुछ टॉर्क तो सारा सफिशियंट मिलेगा, पर उसका एवरेज थोड़ा सा आपको कम मिलने वाला है, वो माइल्ड हाइब्रिड रहेगी। और जो इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला वेरियंट आएगा वो जैसे कि टोयोटा की जो अपनी ग्रैंड विटारो और जो अपनी ये हाई राइडर आती है अर्बन क्रूजर हाई राइडर, वैसे ही सिस्टम रहने वाला है। उसमें आपको पेट्रोल प्लस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड रहेगा जो कि आपको फ्यूल एफिशिएंसी देगा 20 प्लस किलोमीटर पर लीटर, मतलब काफी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी रहेगी। इसलिए टोयोटा ने इनोवा हाईक्रॉस में डीजल नहीं निकाला है, क्योंकि वो अपने हाइब्रिड को जो है वो प्रमोट करना चाहते हैं। और टोयोटा का जो हाइब्रिड है ना बॉस, वो वर्ल्ड में काफी फेमस है, टोयोटा का हाइब्रिड काफी अच्छा माना जाता है और कुछ कंट्रीज में और कुछ लोग तो इसको ईवी से भी अच्छा मानते हैं, जो प्रॉपर ईवी कार होती हैं उनसे थोड़ा अच्छा मानते हैं। तो ये एक टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस का जो मेन फीचर है वो सिर्फ हाइब्रिड में और पेट्रोल में आने वाली है।
तो ये एक बात हो गई। बाकी अब अपन थोड़ा बहुत सेफ्टी के बारे में बात करते हैं कि सेफ्टी गाड़ी में कैसी है। तो यार टोयोटा की जो रिलायबिलिटी और टोयोटा की जो बिल्ड क्वालिटी है वर्ल्ड में रिनाउंड है, वर्ल्ड में इनका पूरा नाम है इस चीजों के लिए। ना कभी रिलायबिलिटी में धोखा खाता है व्यक्ति, ना कभी सेफ्टी में धोखा खाता है। तो जो इसकी सेफ्टी है वो तो यार बहुत अच्छी होने वाली है। 6 एयर बैग्स तो गाड़ी में आएंगे ही। जो टोयोटा क्रिस्टा जो अभी बिकती है मार्केट में वो 4 स्टार रेटेड है ग्लोबल एनकैप में, और जो नई वाली आने वाली है वो उससे थोड़ा सा और ज्यादा शायद 5 स्टार भी लेके चले जाए अपनी हाई क्रॉस। तो गाइज ये तो है सेफ्टी में तो कोई इशू नहीं होने वाला है। एडेस भी आने वाला है गाड़ी में लेवल 1 या लेवल 2, वो देखने को अभी पता चल जाएगा अपन को थोड़े टाइम में कि कौन से लेवल आने वाला है। पर एडेस भी रहेगा, बाकी ABS, EBD जितने फीचर्स के नाम लो, हिल होल्ड असिस्ट, ये सब सारी चीजें तो रहने ही वाली है और रेडी गाड़ी में। तो अब मैं आपको बताता हूँ यार जो मुझे इस गाड़ी के बारे में अच्छा लगा और जो मुझे ऐसा लगा कि यार थोड़ा और इम्प्रूव किया जा सकता था वो है, वो तो यार मतलब मेन जो बात है ना, मैं आपको सही बताऊं इसका प्राइस, अपन थोड़ा प्राइस की बात अब कर ही लेते हैं जो मेरे को लग रहा है थोड़ा सा दिक्कत देने वाला है। देखो प्राइस का ऐसा है कि जो टोयोटा की जो इनोवा है, जो क्रिस्टा भी बिकती है, वो स्टार्ट होती है 18 लाख से, जाती है 23 लाख तक पेट्रोल में, और डीजल में स्टार्ट होती है 19 लाख से, 19 लाख से, और जाती है ऑल द वे 26 लाख तक। तो यार उसी से समझ जाओ कि इनोवा हाई क्रॉस का क्या प्राइस होने वाला है। देखो फॉर्च्यूनर का जो प्राइस है वो स्टार्ट होता है अराउंड 32 लाख से और जाता है 50 लाख तक। तो अब जो इनोवा है, जो टोयोटा है, मतलब जो अपनी कंपनी, वो अपने प्रोडक्ट्स थोड़े एक्सपेंसिव करती जा रही है, आप लोग समझ रहे होंगे। और अगर अपन इसके कंपटीशन से देखा जाए, जैसे जो अपनी XUV700 हो गई, टाटा की सफारी हो गई, जीप की मेरिडियन हो गई, ये प्रॉपर 7 सीटर गाड़ियां हो गई मार्केट में, तो इन सबके जो वेरिएंट है टॉप मॉडल है वो 27 लाख, 28 लाख तक के आपको पड़ जाते हैं। और मेरिडियन तो भाई स्टार्ट ही थोड़ी 32 लाख से होती है, कहाँ 36-37 तक जाती है। तो मेरे हिसाब से जो टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस का जो प्राइस है ना, वो स्टार्ट ही होगा अराउंड 25 लाख से और जाएगा मेरे हिसाब से 30-32 लाख तक। और ज्यादा वेरिएंट नहीं आने वाले इसमें, मेरे हिसाब से 4 वेरिएंट रहेंगे, 2 ऑटोमेटिक के रहेंगे, 2 मैनुअल के रहेंगे, मतलब एक पेट्रोल का ऑटोमेटिक और मैनुअल, और एक पेट्रोल हाइब्रिड का ऑटोमेटिक और मैनुअल, मतलब 4 वेरिएंट रहेंगे, बहुत ज्यादा वेरिएंट इसमें नहीं आने वाले हैं। तो एक ये चीज हो गई, इसके प्राइस की ऐसी बात हो गई, कंपटीशन मैंने आपको इसका बता दिया। बाकी जो गाड़ी है ना यार, गाड़ी बहुत ज्यादा बिकने वाली इंडिया में, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं से भी कहीं गाड़ी में कोई ऐसी दिक्कत तो रहेगी नहीं, क्योंकि टोयोटा अपने प्रोडक्ट को काफी ज्यादा टेस्ट करके बनाता है। एक ही डिसएडवांटेज जो मुझे समझ आ रहा है इसमें वो है कि टोयोटा इसका प्राइस मेरे हिसाब से सही नहीं रखेगा, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्च्यूनर के प्राइस वो बढ़ाते जा रहे हैं, टोयोटा अपनी क्रिस्टा के भी प्राइस काफी बढ़ा चुका है, तो इसका भी प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। पर इससे एक चीज है कि जो लोग कार्निवल खरीदते थे उनके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो जाएगा कि एक प्रॉपर 7 सीटर मार्केट में, जिसका स्पेस बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। देखो XUV700 और टाटा सफारी में कितना स्पेस मिलता है लास्ट रो में सबको पता है, इनोवा क्रिस्टा ये काफी अच्छा स्पेस प्रोवाइड करती थी। जिनको फैमिली कार लेनी है उनके लिए गाड़ी बहुत अच्छी है, इनोवा हाईक्रॉस बहुत अच्छा स्पेस देने वाली है। और अभी तो बस अनवील हुई है, अभी तो बस मतलब इंडिया में जब इसकी प्रॉपर लॉन्चिंग हो जाएगी, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव मिलने लगेगी, तब अपन एक कंक्लूजन बना पाएंगे इस गाड़ी के बारे में कि गाड़ी कितना बिकने वाली है और कैसा परफॉर्म करने वाली है। पर अभी तो मेरे हिसाब से गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, इसका बस प्राइस अगर टोयोटा सही कर देना तो ये गाड़ी बहुत अच्छी है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताने गाड़ी आपको कैसी लगी, कोई भी इस गाड़ी को लेकर सवाल हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं उसके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।